हमारे देश की थाली इनकम्प्लीट है इनके बिना। अरे इनके आते ही ना अचार विचार सब सही हो जाते हैं, समझ गए ना किसकी बात कर रहा हूँ। अरे अचार पिकल, ये तो हमारे देश में हर जगह हर स्टेट में हर सिटी में अलग अलग बनाए जाते हैं। अब पिकल की अगर बात हो तो सबसे पहला दिमाग में आता है आम, नींबू, मिर्च, लेकिन बहुत सारे अनकन्वेंशनल पिकल्स भी हमारे देश में बनाए जाते हैं। अब पंजाब में गोभी, गाजर, शलगम के बनते हैं, कहीं पे स्टार फ्रूट के बनते हैं, गोवा में कैश्यू फ्रूट के बनते हैं, रोज एप्पल्स के बनते हैं, और केरला अगर जाएंगे तो किसने सोचा था कि नागपुरी संतरों के अचार केरला में बनाए जाएंगे। हमारे जो बुजुर्ग है ना वो एक चीज हमें सिखा गए थे कि खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, हर चीज काम आ सकती है। ये वही रेसिपी है, एक अचार बनेगा ऑरेंज की पील से, बहुत ही टेस्टी। चलिए बनाते। अब संतरा तो हमें बहुत पसंद है। अब संतरे के जो छिलके हैं कई बार उनका इस्तेमाल ज्यादा अच्छी तरह से किया नहीं जाता है, पर वो बहुत काम की चीज है। सुगंध देखिए, अब इसे समझ लेते हैं। ये जो स्किन का ऊपरी पार्ट है सारा फ्लेवर यहां बसा हुआ है, ये जो सफेद पार्ट है ये कड़वा होता है, इसे निकालना जरूरी है। तो इसे बड़े ही प्यार से जितना हो सके उतना सफेदी निकाल दिया जाए, क्योंकि ये काफी कड़वा होता है। तो ये अचार बिल्कुल नींबू के अचार की तरह काम करेगा, पकता रहेगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत अगर सफेदी आ जाए तो वो खटास कड़वाहट सब मिक्स हो जाती है। अब इसके पतले पतले जूलियंस बना लेते हैं। ये बन गए जी बढ़िया से ऑरेंज जेस्ट के जूलियंस। अब इनका तड़का बनाया जाए और इस तौली अचार को पकाया जाए। तड़का लगेगा जिंजली ऑयल में, 3 से 4 बड़े चम्मच जिंजली ऑयल, और उसमें मस्टर्ड सीड्स, करी पत्ता और साथ में खड़ी लाल मिर्च। अब ये तेल साउथ इंडिया में काफ़ी इस्तेमाल होता है, काफ़ी हेल्दी होता है, काफ़ी बेनिफिशियल होता है। जैसी तेल गर्म हो वैसे ही उसमें सूखी लाल मिर्च डाली जाए और साथ में डाला जाए करी पत्ता। उसके बाद ये सारा का सारा ऑरेंज पील इसके अंदर डाल दिया जाए। यहां पर मैंने डाला थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हींग का पाउडर 1 चम्मच और मेथी सीड का पाउडर 1 चम्मच, साथ में गई थोड़ी सी हल्दी। जैसे ही सूखे मसाले हल्के से भुने उसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी। अब ये ऑरेंज पील का जो अचार है ये जब आप बनाएंगे ना तो पूरे किचन में खुशबू फैल जाएगी, क्योंकि ऑरेंज का खुद की खुशबू उतनी ज्यादा होती है, साथ में हींग, करी पत्ता, ये सारी चीजें मिलके बहुत ही अमेजिंग हो रही है। अब इसके अंदर डाला जाएगा इमली का पल्प। तौली अचार में नमक और टैमरिंड पल्प अब बढ़िया से पक चुका है। अब इसमें डाली जाएगी थोड़ी सी मिठास जो मैं डालूंगा जैगरी के साथ, करीबन 2 छोटे चम्मच जैगरी, और जैगरी डालते ही इसका कलर भी एकदम बढ़िया चमकदार हो गया और ये तौली अचार इज एब्सोल्युटली रेडी। ये ऑरेंज तौली की खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर ये लेंस के बीच में से पहुंचा दूं ना तो आपको अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि ये सो रिफ्रेशिंग, सो फ्रेश। इमली की खटास, गुड़ की मिठास, ऑरेंज का वो अमेजिंग फ्लेवर, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा अचार बनाया जा सकता है। अब ये जो इसके अंदर फेन्यूग्रीक पाउडर डाला ना वो भी अपना कमाल दिखाएगा, साथ में वो टैमरिंड पल्प का जो एक्चुअल इफेक्ट आ रहा है ऑरेंज के साथ, माइंड इट्स ब्लोइंग है। अब ये जो कंसिस्टेंसी है, ऑरेंज ने पूरा टैमरिंड को ऑलमोस्ट सोक कर लिया है, मसालों के साथ ही ऑलमोस्ट सन गया है। अब इसे बंद कर दिया जाए और हल्का सा रूम टेम्परेचर आने के बाद इसे हम एक जार में डालेंगे और फिर इसे एंजॉय करो। कर्ड राइस के साथ एंजॉय करो, सांभर चावल के साथ एंजॉय करो, दाल चावल के साथ एंजॉय करो, पराठे में लपेट के खाओ, जो मन में आए खाओ भैया। ये तौली अचार जो है जरूरी नहीं है कि सिर्फ केरला डिश के साथ अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी ये कहीं भी अच्छा लगेगा। अभी नारंगी के छिलके के अचार को 7 दिन आराम से बंद करके रख दो
और उसके बाद इसे खाओ कर्ड राइस के साथ, मजेदार हो जाएगा। भाई साहब, नारंगी अचार, सतरंगी अचार और सारे अतरंगी अचार मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो अचार के बारे में विचार है ना, उसे बदलना है। अरे भैया, इन्हें थाली के कोने में नहीं, सेंटर स्टेज पे लेके आना है।